खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के गरवार थाना क्षेत्र के बरसड़ी गांव में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि बिजली विभाग से बिजली कनेक्शन लेने के बाद पीड़ित परिवार का कनेक्शन अंजनी कुमार मुकुल ने विद्युत पोल से नहीं लेने दिया। पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग के अधिकारियों तक के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। पीड़ित ने थाना पे पहुंच अपनी फरियाद लगाई, जहां मौके पे पहुंच पुलिस ने जायजा लिया। पुलिस भी कागजी प्रक्रिया किया, लेकिन दबंगों के आगे भी पुलिस नतमस्तक दिखी। पीड़ित की फरियाद नहीं सुनने के बाद पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। आइए सुनते हैं पीड़ित की जुबानी। स्वर्ण रानी के साथ बलिया संजय तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम बड़ा सनी बलिया, क्या पड़ता है, क्या मामला है? अभी मुख्यमंत्री को आपने शिकायत की? मामला बिजली का है, मामला बिजली का है। एक व्यक्ति है जिन्होंने ट्रांसफार्मर लगाया सूरज गिरी का, उसमें उनका पर्सनली जलता है, उसमें से लाइट किसी को देते नहीं है। वही हम लोग उसमें से लाइट ले रहे थे, जेई साहब भी आए थे, प्रशासन भी आई थी, जेई साहब बोल के भी गए कि इसमें से लाइट ले लीजिए, भिजवा भी रहे थे, लेकिन ये लोग क्षेत्रीय दबाव के कारण जेई पर दबाव बना के उसको फिर मना कर दिया। आखिर क्या वजह थी दबाव बनाने का? या वो सोच रहे हैं कि ये पर्सनली मेरी लाइट है, हमने इसको लगवाया, मेरी पर्सनल लाइट है, इसमें से किसी का जलेगा नहीं। तो बिजली तो सरकार की है, वो तो कोई भी ले सकता है वहाँ से। बिजली सरकार की है, लेकिन वो नहीं मानते हैं ना, अपने के दबंग बनते हैं। ये मास्टर साहब हैं, प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, क्षेत्रीय दबाव, लेकिन वो राजनीति थोड़ा ज्यादा करते हैं, पढ़ाने कम जाते हैं लेकिन राजनीति ज्यादा करते हैं। कौन उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, कौन राजनीतिक दल है, कौन राजनीतिक जो व्यक्ति है? ये राजनीतिक, ये खुद क्षेत्रीय दबाव बना रहे हैं। आखिर क्षेत्रीय दबाव कैसे बन रहा है, क्या है? थाने पे बना रहे हैं, जेई पे बना रहे हैं, एक्सीजन तक बना रहे हैं। किसी से शिकायत की आपने इस मामले को लेकर के? एक्सीजन के यहाँ भी गए थे, थाने पे भी एप्लीकेशन दिए थे, एसपी ऑफिस भी गए थे, लेकिन अभी कोई सुनवाई हुई नहीं। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हम लोग वो दिए हैं, फिर भी नहीं कोई सुनवाई हुई। कितने दिन हो गए मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाले हुए? तीन चार दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं है।